हेलो नमस्कार, मैं आदित्य सिंह राठौड़ कक्षा 10वीं का छात्र है और यो आपके लिए मैं प्रोवाइडर हूँ। यस, सही पढ़ा आपने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड थ्योरम क्लास 10th। तो चलो आज पहले अपन देख लेते हैं डिलीटेड्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस जो कि इस साल डिलीट हुए हैं, स्पेशली इस साल के लिए, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए ये डिलीटेड हो चुका है। तो ये देख लेना आप, और चलो आगे चलते हैं और अपन मेन क्वेश्चंस के आते हैं। तो चलो फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं अपन। ये देख लीजिएगा, इतने क्वेश्चंस मेन है इसके अंदर से, ठीक है। तो टोटल 9 क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करेंगे और अब मैं भी सॉल्व करूंगा, मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो दे रहे हैं दोस्त आए लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो पॉलीनोमियल्स से देख लीजिए और फिर आएगा अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे अपन फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है। फिर फिफ्थ चैप्टर में 15 टोटल क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल्स यानी एपी। यहाँ पे ये मेन चैप्टर है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना ट्रायंगल्स में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आसान से चैप्टर है, बिल्कुल निकाल लोगे। 6.3 तो कट हो चुकी है वैसे भी। और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये मेन क्वेश्चन है, इधर मेन क्वेश्चन, इधर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। यस, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यस इस पर भी जरूर देना, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, सर्कल्स इज अ वेरी इजी चैप्टर नाउ। ओके, कंस्ट्रक्शन तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके, इसमें थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम लेकिन कोई चीज़ नहीं है यार। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत ही आसान चैप्टर, मैंने भी थोड़े इसकी वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अब मैं मेन लाऊंगा स्टैटिक्स, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान चैप्टर है। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वापस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और इनके प्रोवाइड करूँगा आंसर्स अगले वीडियो।